स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल Autoportal इंडिया में। और आज इस रिव्यू में हम BMW G310R जो कि BMW की सबसे छोटी बाइक है उसकी टेस्ट राइड करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि ये बाइक सिटी और हाईवे पर चलाने में कैसी है, इस बाइक की राइड क्वालिटी कैसी है और BMW Motorrad ने इस बाइक में क्या फीचर्स दिए हैं। तो आइए बिना ज्यादा वक्त जाया किए हुए BMW G310R की रिव्यू शुरू करते हैं। लुक्स के मामले में G310R काफी मस्कुलर, कॉम्पैक्ट और एग्रेसिव दिखती है जो कि एक नेकेड रोडस्टर की पहचान है। इसका फ्रंट काफी स्पोर्टी दिखता है और इसका सारा श्रेय गोल्डन अपसाइड डाउन फोक्स और एक मस्कुलर मडगार्ड को जाता है। मोटरसाइकिल के साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ आपको फ्यूल टैंक पे BMW का लोगो मिलता है और साथ ही टैंक पे बने ग्राफिक्स काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। और ये ग्राफिक्स सिर्फ टैंक पे ही नहीं बल्कि साइड फेयरिंग्स पे और टेल की बॉडी पैनल पे भी हैं। और इसमें अपस्वेप्ट एग्जॉस्ट बाइक को एक स्पोर्टी लुक देता है। अगर हम रियर साइड की बात करें तो टेल लाइट्स छोटी जरूर हैं पर काफी अच्छी लगती हैं और इसकी डॉग टेल बाइक को एक कॉम्पैक्ट फील देती है। फ्यूल टैंक बहुत मस्कुलर दिखता है और इसके एक्सटेंडिंग श्राउड्स बाइक की शार्पनेस को बढ़ा देते हैं। अब हम इंजन की बात करें तो इसमें 313 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन है जो कि वाटर कूल्ड है। ये इंजन 34 HP पावर और 28 Nm का टॉर्क बनाता है और इसमें 6-speed गेयरबॉक्स लगा हुआ है। इसके सस्पेंशन बाइक की राइड क्वालिटी को काफ़ी बढ़ा देते हैं और आप इसे सिटी राइडिंग काफ़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। हालांकि इसका फ्रंट सस्पेंशन एडजस्टेबल नहीं है पर बाइक का मोनोशॉक प्रीलोड एडजस्टमेंट्स के साथ आता है। लंबी दूरी की राइड्स के लिए ये बाइक काफ़ी कंफर्टेबल है क्योंकि इसका राइडिंग ट्रायंगल बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है। इस बाइक में मिशेलिन के पायलट सीरीज टायर्स लगे हैं जो कि एक अच्छा फीडबैक और कॉन्फिडेंट राइड एक्सपीरियंस देते हैं। चौथे गियर के बाद ये बाइक अपने प्रॉपर नेकेड रोडस्टर वाले एलिमेंट्स शोकेस करती है और ओवरटेक्स काफ़ी आसान बना देती है। जहां तक फीचर्स की बात है तो इस बाइक में अनस्विचेबल ड्यूअल चैनल ABS दिया गया है, गोल्ड एनोडाइज USD फोक्स दिए गए हैं और इसका ट्रेलिस फ्रेम बाइक को कॉर्नर्स में काफ़ी एजाइल बनाता है। राइडिंग इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है जिसमें काफ़ी सारे गेजेस मिलते हैं जैसे कि स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, टैकोमीटर और ट्रिप मीटर, यहाँ तक कि आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर और टाइम जैसी जानकारियाँ भी मिलती हैं। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इस बाइक का वेट सिर्फ 158.5 kg है जिसका सीधा असर पावर टू वेट रेशियो पे जाता है। ये बाइक चलाने में काफ़ी लाइट वेट है और टॉर्की महसूस होती है। हालांकि इसकी प्राइसिंग थोड़ी ज़्यादा है अगर हम इसे इसके राइवल के साथ कंपेयर करें तो, लेकिन जो चीज़ आपको हैरान कर देगी वो है इसकी पावर डिलीवरी, इसकी बिल्ड क्वालिटी और इसकी राइड क्वालिटी। ये सभी चीज़ें ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की हैं और आखिरकार ये एक BMW है। गुड बाय फॉर नाउ एंड राइड सेफली।